अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरीज मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाहौरी काले चने की रेसिपी लेके आई हूँ। कम इंग्रेडिएंट्स में ये कमर्शियल रेसिपी हम घर में बनाएंगे, और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन एक पाव के करीब सफ़ेद चने लिए हैं, जिसे मैंने रात को भिगो दिया था। और देखें, इसे मैंने हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून मीठा सोडा लगा के भिगो दिया था, और आप देखें ऊपर इस तरह से झाग आ गई है। तो इस झाग को हम लोग रिमूव करेंगे और इसे कम अज़ कम 4 से 5 पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे। और इसे हम विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इन चनों को 4 से 6 पानी से अच्छे से वॉश कर लिए, इसकी झाग को रिमूव कर दिया है, और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये चने हम लोग कुकर के बगैर बना रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक देचकी में पानी ले लिया। पानी तकरीबन आपने खुला लेना है, 2.5 से 3 लीटर के करीब मैंने पानी ले लिया, और इसे बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया, और इसके साथ ही हम लोग ये जो चने रखे हुए थे भिगो के इसमें ऐड कर देंगे, और सब चनों को मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसके साथ ही हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून मीठा सोडा भी इसमें ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून, और इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसे 40 मिनट देंगे गलने के लिए। तो देखें, बीच बीच में इसे चेक करते जाएंगे, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इस तरह से इसकी जो झाग बनी हुई है, इस झाग को इस तरह से हम लोग रिमूव करते जाएंगे, ताकि जो हमारे चने हैं वो बहुत साफ़ सुथरे इस तरह से बॉयल हों। तो ये देखिए, इस तरह से जब तक ये गलते नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं होते, इसकी झाग को उतारते जाना है। यहाँ पर देखिए, मैंने चनों को बॉयल करके सेपरेट कर लिया है, और चनों का पानी इस तरह से जग में निकाल लिया है, और 1 कप के करीब मैंने चने लेके उसे ब्लेंडर में डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया है। तो ये आगे चल के बताऊँगी कहाँ पर यूज़ होगा, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब इसके साथ ही ये जो हम लोगों ने चनों का पेस्ट बना के रखा है, इसे अच्छे से इसमें डाल के इसकी भुनाई करूँगी, और इसे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेना है। चनों का पेस्ट डाल के मैंने तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है, इसने देखें ऑयल रिलीज़ कर दिया। अब इसमें चने डाल देंगे। चले जी, अब इसमें चने ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हाई फ्लेम करके हम लोगों ने चनों को डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो चनों को भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। अब मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि हम लोग काली मिर्च वाले चने बना रहे हैं, तो काली मिर्च हम लोगों ने एंड पे डालनी है, तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 1.5 टी स्पून के करीब मैं क्रश फ्रेश मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया, आप भी इसे फ्रेश कूट के डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और अब इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से इस काली मिर्च को इसमें भून लेते हैं डाल के। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह से जो लंबाई के रूप मैंने काटी हैं उसे डाल दूंगी। माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और आपको नज़र आ रहा होगा ये किस कदर मज़ेदार बने हैं। कमर्शियली जब हम लोग बनाते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है, यानी जितने चने उतना ही ऑयल, लेकिन हम लोग इसे बना रहे हैं घर, तो हम लोग इसमें ऑयल का मुनासिब सा ही इस्तेमाल किया है, लेकिन एंड पे हम लोग भगार थोड़ा सा चाहें तो बना सकते हैं। और अब जितने आपने इसे मतलब इसका ग्रेवी बनानी है, जितना आपको ये चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा पानी वही चनों वाला मैं इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसे मिक्स करके, क्योंकि मुझे थोड़े से लिक्विड फॉर्म में चाहिए, अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप इसे और ज़्यादा पानी चने वाला डाल सकते हैं। और अब इसे मैं कर दूँगी कवर 5 से 7 मिनट, ये अच्छे से दम आ जाए, फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, फाइनल लुक हमारे लाहौरी काले चने की बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। ऊपर से आप इस तरह से 2 से 3 अदरक के स्लाइसिस ये आप डाल सकते हैं, इसमें सब्ज़ मिर्चें, बहुत ही ये यमी रेसिपी है। और इसके ऊपर अगर आप बघार लगाना चाहते हैं, तो मैंने देसी घी 2 से 3 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ। और ये देखें, लाजवाब हो सकते हैं हमारे काले चने बन गए हैं, वो भी काली मिर्च वाले। आप इसे बनाएंगे तो बेहद आपको पसंद आएंगे, आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, इवन कि आप इसे चावलों के साथ भी सर्व करेंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन शेरीज मॉम किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।